हेलो एवरीवन, माय सेल्फ असिस्टेंट प्रोफेशन नरेश कोरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थर्मल इंजीनियरिंग के लेक्चर सीरीज। आज हम लोग पावर प्लांट के यूनिट टू के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखिए, लास्ट टॉपिक में मैंने आपको क्लासिकल एफबीसी बॉयलर के बारे में बताया था। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रेशराइज्ड एफबीसी बॉयलर, मतलब कि प्रेशराइज्ड फ्लूडाइज बैड कंबशन सिस्टम के बारे में। प्रेशराइज्ड हमारे सेकेंड टाइप के अंदर आता है। इसके अंदर क्या होगा कि हम लोग प्रेशराइज्ड एयर का यूज करेंगे हमारे कंबस्टिबल फ्यूल को कंबस्ट करने के लिए। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जो भी एयर का यूटिलाइजेशन हम लोग कंबशन प्रोसेस के लिए कर रहे हैं, द प्रेशर ऑफ दैट एयर शुड बी इंक्रीज्ड अप टू 10 बार। और ऐसी हाई प्रेशर वाली एयर हम लोग यूज़ करेंगे हमारे सिस्टम के अंदर। इस मैं आपको फिगर समझा दूँ। एज यू कैन सी फ्रॉम द फिगर, ये सॉरी फ्रॉम योर लेफ्ट साइड, एज यू कैन सी यहाँ पर है आपका कंप्रेसर और यहाँ से आएगी आपकी एटमोस्फेरिक एयर अंदर। अब सीधी सी बात है, कंप्रेसर है मतलब वो आपकी एटमोस्फेरिक एयर को कंप्रेस करेगा। एटमोस्फेयर का प्रेशर होता है अराउंड 1 बार। जब कंप्रेसर से पास होकर के निकलेगा तो प्रेशर आपके एटमोस्फेरिक एयर का हो जाएगा अराउंड 10 बार। और ऐसी कंप्रेस्ड एयर फिर हम लोग यूज़ करेंगे हमारे बॉयलर सिस्टम के अंदर। आप फिगर के अंदर देख सकते हो हमारे बॉयलर सिस्टम के अंदर दो सर्किट है। एक हो गया हमारी फ्री बॉड ट्यूब बंडल और दूसरा होगा हमारा इमर्स ट्यूब बंडल। नीचे होगी हमारी डिस्ट्रीब्यूटर प्लेट, जो कि लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था। डिस्ट्रीब्यूटर प्लेट क्या करेगी, तो आपके फ्यूल को या तो आपके एयर को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करेगी। जो आप लोग फिगर के अंदर देख सकते हो, यहाँ से जो आपकी कंप्रेस्ड एयर आ रही है वो कंप्रेस्ड एयर आपके वॉल के थ्रू, यहाँ से सॉरी यहाँ से ये जो वॉल के थ्रू आपके डिस्ट्रीब्यूटर प्लेट के थ्रू यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगी। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटर प्लेट का ये फंक्शन होता है। डिस्ट्रीब्यूटर प्लेट इस तरह से काम करती है। फिर फिगर की जियोमेट्री को समझो। यहाँ पर आपको मिलेगा एक साइक्लोन कलेक्टर, फिर मिलेगा आपको डस्ट कलेक्टर ओवर हियर। ठीक है, और ये है हमारा गैस टरबाइन। तो ये बेसिक कंपोनेंट्स थे हमारे प्रेशराइज्ड फ्लूड बेड कंबशन सिस्टम के। वर्किंग समझते हम लोग क्या होता है। देखो, सिंपल वर्किंग है, बहुत ही इजी है। फिगर को समझ के चलना है। फिगर याद रहेगी तो आप इसका डिस्क्रिप्शन इजीली लिख पाओगे। क्या होगा, कंप्रेसर से एटमोस्फेरिक एयर कंप्रेस्ड होकर के हाई प्रेशर, मतलब कि इट विल बी नियर अबाउट 10 बार, ऐसी हाई प्रेशर वाली कंप्रेस्ड एयर सबसे पहले जाएगी हमारे इस वॉल के अंदर, ये वाला जो आपको डायरेक्शन दिख रहा है वहां पर। ठीक है, अब ये जो कंप्रेस्ड एयर होगी वो डिस्ट्रीब्यूटर प्लेट के थ्रू आपके बेड के अंदर जाएगी। बेड के अंदर फ्यूल है, फ्यूल के साथ में कंबशन प्रोसेस होगा और आपकी हॉट गैसेस जनरेट होगी। जो भी हॉट गैसेस जनरेट हो रही है, जो भी फ्लू गैसेस जनरेट हो रही है, वो सारी की सारी फ्लू गैसेस, एज यू कैन सी फ्रॉम द फिगर, यहाँ से पास होकर के सबसे पहले जाएगा साइक्लोन कलेक्टर में। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, साइक्लोन कलेक्टर के अंदर क्या होगा। मैंने पहले ही बोला, मेरे लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब भी हम लोग सॉलिड फ्यूल का यूज़ करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे सॉलिड फ्यूल का 100% कम्बशन हो। देयर इज़ ए चांस कि थोड़े बहुत पार्टिकल्स हमारे अनबर्न रहेंगे। तो साइक्लोन कलेक्टर के अंदर क्या होगा, साइक्लोन कलेक्टर के अंदर यही होगा कि जो हमारा अनबर्न पार्ट होगा वो अनबर्न पार्ट साइक्लोन कलेक्टर के अंदर एक तरफ जमा हो जाएगा। जो आपकी फ्लू गैसेज होगी, ओनली फ्लू गैसेज, वो आपकी सिर्फ और सिर्फ गैस वाला पोर्शन होगा, वो आगे की तरफ जाएगा। अभी साइक्लोन कलेक्टर के अंदर क्या हुआ, तो आपके अनबर्न पार्ट आपके कलेक्ट हो गए। ये अनबर्न पार्ट फिर आपके सीधे नीचे की तरफ आएंगे, एज आई यू कैन सी फ्रॉम द फिगर। ठीक है, ये है हमारा अनबर्न या अनकम्बस्टिबल पार्टिकल। ये अनकम्बस्टिबल पार्टिकल आप लोग देख सकते हो फिगर के राइट साइड में, आपको दिया है कोल की और लाइमस्टाइन, सॉरी लाइमस्टोन, दोनों लाइमस्टोन भी आपका फ्यूल ही है, वन टाइप ऑफ कोल ही है। उसको एंटर करवाने के लिए स्पेस दिया है। यहाँ से हमारा फ्यूल हमारे बॉयलर के कंबसन सिस्टम के अंदर आता है। तो क्या होगा कि साइक्लोन कलेक्टर के अंदर जो भी अनबर्न पार्टिकल हम लोगों ने इकट्ठे किए हैं, वो सारे के सारे अनबर्न पार्टिकल हमारे फ्यूल के साथ में मिक्सड होंगे। अब क्या हो रहा है कि अनबर्न पार्टिकल जो है उसका टेम्परेचर हमारे पास में काफ़ी हाई है। क्यों, क्योंकि वो फ्लू गैसेस के साथ में मिक्स थे और फ्लू गैसेस का टेम्परेचर आराम से 900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के अराउंड होता है। अब जब इतने हाई टेम्परेचर वाला फ्यूल, फ्लू गैसेस, उसके अंदर से निकले हुए पार्टिकल जब आपके नए फ्यूल के साथ में मिक्सडअप होते हैं, तो डेफिनेटली वो हीट ट्रांसफर करेंगे। और हीट ट्रांसफर की वजह से क्या होगा कि जो फ्रेश फ्यूल हम लोगों ने एंटर करवाया हमारे कंबशन चेंबर के अंदर, तो वहाँ पर हमारे फ्यूल को फिर कंबशन करने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये हमारे
डायरेक्ट बेनिफिट हो जाएगा। क्या होगा, जो भी अनबर्न पार्टिकल आपके नए फ्यूल के साथ में मिक्स हो रहा है वो वापस आपके कंबशन चैम्बर में जाएगा, वो यहाँ पर जाएगा कंबशन चैम्बर में, और कंबशन चैम्बर में क्या होगा, फिर से वो हीट ट्रांसफर की वजह से 100% कंबशन में कन्वर्ट होगा और जो फ्ल्यू गैसेज जनरेट होगी वो आपकी फिर से साइक्लोन बर्नर में या सॉरी साइक्लोन सेपरेटर में या कलेक्टर में जाएगी। फिर वही प्रोसेस होगी, अगर साइक्लोन कलेक्टर में जो भी फ्ल्यू गैसेज आ रही है फिर से उसके अंदर अगर कोई अनबर्न पार्टिकल है तो वो पार्टिकल कलेक्ट हो जाएगा और वो पार्टिकल कलेक्ट होकर के फिर से आपकी फ्यूल की लाइन में या फ्यूल सप्लाई की लाइन में आ जाएगा। जिस पार्टिकल के सॉरी जो फ्ल्यू गैसेस का 100% पोर्शन है कि जिसमें कोई भी अनबर्न पार्टिकल नहीं है, अब वो जाएगा आपके डस्ट कलेक्टर की तरफ। डस्ट कलेक्टर का मतलब आपको पता है, डस्ट यानी मिट्टी, धूल मिट्टी, इम्प्योरिटीज जिसको बोलते हैं। अगर आपके फ्ल्यू गैसेस के अंदर कोई इम्प्योरिटीज है तो वो इम्प्योरिटीज आपकी डस्ट कलेक्टर के अंदर जमा हो जाएगी, मतलब कि वो एब्जॉर्ब हो जाएगी और प्योर गैस या प्योर फ्ल्यू गैस जो होगी वो आपके टरबाइन की तरफ भेज दी जाएगी। अभी डस्ट कलेक्टर के अंदर क्या हुआ, डस्ट कलेक्टर के अंदर हम लोगों ने हमारी इम्प्योरिटीज को एब्जॉर्ब कर लिया और वो एब्जॉर्ब करने के बाद आप लोग फिगर के अंदर देख सकते हो कि यहाँ से आपकी सारी की सारी इम्प्योरिटीज यहाँ चली जाएगी। ये सप्लाई लाइन है आपकी ऐश के लिए, यहाँ पर आपका कंबशन चैम्बर है, ठीक है। कंबशन चैम्बर की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो भी ऐश जनरेट हो रही है आपके कोल के बर्निंग की वजह से, वो ऐश आप लोगों की ये ऐश हैंडलिंग यूनिट की वजह से सीधे बाहर भेज दी जाएगी और इसी के साथ में मिक्स किया जाता है आप लोगों की डस्ट कलेक्टर की लाइन को। कि डस्ट कलेक्टर के अंदर जो भी डस्ट हम लोगों ने कलेक्ट की है वो सारी की सारी डक्ट सॉरी वो सारी की सारी डस्ट वो डस्ट हम लोग कलेक्ट करेंगे और हमारी एश हैंडलिंग सिस्टम के थ्रू बाहर निकाल देंगे। मतलब क्या होगा कि हम लोगों को डस्ट कलेक्टर के बाद आउटपुट में प्योर प्योर फ्ल्यू गैस मिलेगी, एकदम क्लीन फ्ल्यू गैस मिलेगी और वो क्लीन फ्ल्यू गैस का फिर हम लोग यूटिलाइजेशन करते हैं हमारे टर्बाइन के चलाने के लिए। आप देख सकते हो फिगर के अंदर टरबाइन की जो शाफ्ट है वो आपके कंप्रेसर की शाफ्ट में जुड़ी हुई है, मतलब कंप्रेसर को चलाने के लिए कोई एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत नहीं है। जो भी हॉट गैसेस आपके टरबाइन की ब्लेड को स्ट्राइक करेगा तो टरबाइन की ब्लेड को स्ट्राइक करने की वजह से टरबाइन की शाफ्ट रोटेट होगी और वही शाफ्ट हमारे कंप्रेसर की शाफ्ट के साथ में ज्वाइंट की गई है। मतलब टरबाइन की शाफ्ट घूम रही है तो उसकी वजह से कंप्रेसर की शाफ्ट भी घूमेगी और कंप्रेसर की शाफ्ट घूमेगी तो जो भी एटमोस्फेरिक एयर अंदर आ रही है वो एटमोस्फेरिक एयर कंप्रेस होगी। यहाँ पर क्या होगा कि टरबाइन की शाफ्ट घूम रही है तो उसके साथ में जनरेटर भी जुड़ा होता है, तो जनरेटर की वजह से क्या होगा, आप लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो। ये थी हमारी बेसिक प्रेशराइज्ड एफबीसी सिस्टम। इसके एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस आप लोग देख सकते हो दैट द हाई रेट ऑफ कोल लोडिंग इज पॉसिबल, आप लोग ज़्यादा अमाउंट में आपके फ्यूल को लोड कर सकते हो, हाई रेट ऑफ बर्निंग इज अचीव, आपने हम लोगों ने जो सर्कुलेशन सिस्टम है पढ़ा उससे भी ज़्यादा हमारा बर्निंग सिस्टम इसके अंदर अचीव कर सकते हैं, कंसिडरेबल रिडक्शन इन कॉस्ट, थोड़ा कॉम्पैक्ट है थोड़ा कम है तो कॉस्टिंग हमारे लिए कम हो जाएगा, हाई स्टीम जनरेशन रेट इज़ पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने हाई प्रेशर एयर का यूज़ किया है तो डेफिनेटली हाई प्रेशर एयर। देखिए ये बेसिकली डीजल इंजन की तरह, डीजल इंजन के अंदर भी इसी तरह से होता है कि सबसे पहले हमारी फ्यूल सबसे पहले हमारा एयर कंप्रेस्ड होता है और उसके साथ में जो आपका फ्यूल आ रहा है नोजल में से जो एटोमाइज्ड फॉर्म में होता है, ये एटोमाइज्ड फॉर्म वाला आपका फ्यूल जो है वो आपके कंप्रेस्ड एयर के साथ में मिक्सचर होता है और उसकी वजह से कंबशन होता था। तो यहाँ पर कंबशन का रीजन यही था कि एटोमाइज्ड फ्यूल उसका टेम्परेचर ज़्यादा है और कंप्रेस्ड एयर उसका भी टेम्परेचर ज़्यादा है। द सेम थिंग इज ओवर हियर, द सेम थिंग इज ओवर हियर के जो भी एटमोस्फेरिक एयर हम लोगों ने कंप्रेसर के अंदर कंप्रेस की है उसका जो प्रेशर होगा वो काफ़ी हाई है, इट्स नियर अबाउट 10 बार, इसकी वजह से क्या होगा द टेम्परेचर ऑफ द एयर विल बी हाई और इसकी वजह से हम लोगों को क्या मिल सकता है कि मैक्सिमम कंबशन मिलेगा फ्यूल का और मैक्सिमम फ्यूल का कंबशन मिलेगा तो डेफिनेटली हम लोग 100% एनर्जी का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं स्टीम को प्रोड्यूस करने के लिए। इसीलिए यहाँ पर हम लोगों के क्या है कि हाई स्टीम जनरेशन रेट इज पॉसिबल। द लास्ट वन इम्प्रूव्ड सॉरी डिस डीसल्फराइजेशन सॉरी इम्प्रूव डिसल्फराइजेशन एंड लो एनोएक्स एमिशन। 100% कंबशन है, कंबशन आपका प्योर है तो जो भी इम्प्योरिटीज मतलब कि आपको एनोएक्स और एसओएक्स मिल सकता है आउटपुट गैसेस में वो आप लोगों के लिए यहाँ पर कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन जीटीयू में 2 या 3 बार आ चुका है, 3 मार्क्स का सवाल है, इसको करना है आपको, छोड़ना नहीं है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।